फ्रेंड्स मैं हूं हूेबा ख़ान और वेलकम है आपका मेरे चैनल वर्किंग वूमन्स किचन में तो आज मैं बनाने जा रही हूं मटर आलू ख़ीमे की रेसिपी तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना तो इसके लिए मैंने यहां पे लिया है एक प्रेशर कुकर उसमें मैं डाल रही हूं सरसों का तेल तो यहाँ पर मैं फोर टेबल स्पून सरसों के ऑयल का यूज़ कर रही हूँ ऑयल अच्छे से गरम कर लेंगे तो ऑयल गरम हो चुका था तो मैंने यहाँ पर तीन मीडियम साइज़ की प्याज ली उनको चॉप करके ऑयल में डाल दिया है अब इन सारी चीज़ों को मतलब प्याज़ को ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक के हमें अच्छे से फ़्राई करना है बीच बीच में इसको चलाते रहें ताकि प्याज़ अच्छे से हर तरफ़ से गोल्डन हो जाए तो ये देखिए प्याज़ मेरी गोल्डन हो चुकी है तो मैंने यहाँ पर अभी कीमे को अच्छे से वॉश करके रखा हुआ है अब मैं उसमे को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रही हूँ तो ये ये मैंने ढाई सौ ग्राम हिमा लिया है इसको मैंने प्याज के साथ एक मिनट के लिए अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लेना है ताकि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए तो आप भी देख सकते हैं कि मैं इसको जो फ्राई कर रही थी करते करते इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है तो ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है अब मैं इसमें डाल दूँगी टू टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट तो अदरक लहसन का पेस्ट डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी वन फोर टी स्पून हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून धनिया पाउडर वन फोर टी स्पून रेड चिली पाउडर और साथ में डाल देंगे नमक नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा डाल सकते हैं मैंने यहाँ पे थ्री फोर टीस्पून का यूज किया है तो इन सभी मसालों को क़ीमे में अच्छे से मिला देंगे और मिलाने के बाद इसमें डालेंगे पानी तो यहाँ पे मैं हाफ़ कप वाटर का यूज़ कर रही हूँ ये पानी हम इसलिए डालेंगे ताकि क़ीमा टेंडर हो जाए और उसके बाद प्रेशर कुकर की लिट को कर देंगे बंद और इसको दो विसल आने तक के पका लेंगे दो विसल आ जाएंगी तब इसको ओपन करके चेक करेंगे तो प्रेशर कुकर में दो विसल आ चुकी थी मैंने इसको ओपन करके देखा है तो यहाँ पर मैं जब चेक कर रही हूँ तो क़ीमा अच्छे से टेंडर हो गया है मतलब ना ही बहुत सॉफ़्ट है ना ही बहुत हार्ड है मुझे मीडियम साइज़ का रखना था टेंडेंसी उसकी ताकि मैं आगे इसको जब भूनूँ तो वो इक्वल टेंडेंसी आ जाए साथ ही में मैं भूनने के टाइम पे इसमें मैं डाल दे रही हूँ टमाटर तो ये मैंने एक टमाटर को चॉप कीमे में मिला दिया है और अब मैं इसको लो फ्लेम में पंद्रह से बीस मिनट ऐसे ही भूनते हुए इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको हमें ड्राई कर लेना है अगर आपका पानी जल्दी खुश्क हो जाए तो इसमें आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर दें ताकि जो कीमा है और उसमें जो मसाले डले हैं वो सारी चीज़ों की फ्रेगरेंस अच्छी आने लगे और ये भुन के बहुत अच्छे फ्लेवर में रेडी हो तो इसको मैंने अच्छे से भून लिया है अब ये इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मटर तो ये मैंने एक कटोरी मटर यहाँ पर ऐड कर दिया है क़ीमे में और साथ ही में मैं डाल रही हूँ तीन आलू हैं उनको मैंने चार चार टुकड़ों में कट करके इसमें मिला दिया है इन सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिला देंगे मिलाने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च तो यहाँ पर मैंने दो हरी मिर्च को बड़े बड़े टुकड़ों में कट करके डाल दिया है और इसको भी मैं ख़ीमे में अच्छे से मिला दूंगी ताकि इसका भी फ्लेवर आ जाए और इसमें हम डाल देंगे आधा कप पानी पानी इसलिए डाला है ताकि इसमें जो आलू मटर डले हैं वो अच्छे से टेंडर हो जाए लास्ट में इसमें डाल देंगे गरम मसाला और गरम मसाला है मैंने यहाँ पर आधा टीस्पून डाला है इसको डालने के बाद प्रेशर कुकर की लिड लगाएंगे और इसे एक लाने तक के पका लेंगे ताकि जो सब्जियाँ डली हैं वो अच्छे से टेंडर हो जाए अब प्रेशर कुकर ओपन करके मैंने देखा है तो कीमा बहुत अच्छे से रेडी हो गया है तो ऊपर से इसको धनिया से गार्निश कर देंगे और गार्निश करने के बाद फिर हम इसे सर्व करेंगे तो इसको हम लोग रोटी चावल जिसके साथ आप पसंद करें उसके साथ इसको खा सकते हैं और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा एंड आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मैं जो नए वीडियोस डालती रहूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे और आप आसानी से मेरे वीडियोस को देख सकें एंड अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए घर पर ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी Thank you.